everyone. In this video lecture of microprocessor programming, I am going to demonstrate a practical of microprocessor lab using microprocessor kit assembly language programming. To start karte hain with the first practical, which is my addition of two 8-bit numbers. तो फर्स्ट दिस इज द LCD स्क्रीन जहाँ पर हमें हमारे कोड्स दिखेंगे एंड बाई यूजिंग दिस कीबोर्ड आई विल टाइप द नंबर्स. तो फर्स्ट हम क्या टाइप करेंगे, फर्स्ट हम प्रेस करेंगे वन. वन मीन्स कि वी रीच इन मेन मेन्यू. इन दिस वी हैव टू ऑप्शन, ए फॉर असेंबली, सी फॉर मशीन कोड. तो हम ऑप्ट करेंगे ए मीन्स असेंबली. हमने ए प्रेस किया. नाउ दिस इज आस्किंग फॉर रैम एड्रेस. रैम एड्रेस आप अपनी चॉइस से ले सकते हो. तो नाउ आई एम गोइंग टू टाइप रैम एड्रेस मीन्स कि जहाँ से हमें प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करना है. दिस इज द एड्रेस. नाउ एंटर. तो ये लोकेशन अपने आप ले लेगा. नाउ अब हमें कोई भी मेमोरी एड्रेस नहीं बताना, जस्ट हमें असेंबली लैंग्वेज के ऑपकोड्स लिखने. ठीक. तो फर्स्ट एल एक्स आई स्पेस एच स्पेस 2050. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो हम पेन पेपर्स पे कॉमा यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट मूव हम किसी भी इंस्ट्रक्शन में कॉमा यूज़ नहीं करेंगे, हम स्पेस यूज़ करेंगे. ठीक. तो हमने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में लोड किया एड्रेस ऑफ फर्स्ट नंबर. नाउ मूव ए कॉमा एम. नाउ मैंने फर्स्ट नंबर को मूव किया इन एक्यूमुलेटर. नाउ वी नीड सेकेंड नंबर. तो अब हम क्या करेंगे, एंटर आई एन एक्स एच. नाउ अब हमें इंक्रीमेंट एच हो गया, मीन्स कि एच एल पेयर की जो वैल्यू है दैट इज 2051, मीन्स कि लोकेशन ऑफ सेकेंड नंबर. नाउ अब हम इसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे विथ द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर. तो ऐड एम. जब मैंने लिखा ऐड एम तो ये क्या करेगा, मेमोरी पॉइंटर का जो कंटेंट होगा उसे ऐड करेगा विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एंड जो रिजल्ट होगा दैट विल बी सेव इन एक्यूमुलेटर. नाउ इफ यू वॉन्ट टू सेव द रिजल्ट इन एनी लोकेशन तो आप लिखोगे एस टी ए 2070. ठीक है. तो नाउ जो कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर था आफ्टर एडिशन वो कहाँ जाके सेव हो जाएगा, एट मेमोरी एड्रेस 2070. नाउ हम लिखेंगे आर एस टी 5. दिस इज बेसिकली सॉफ्टवेयर इंटरप्ट विच इज यूज फॉर रीस्टार्टिंग द प्रोग्राम फॉर न्यू लोकेशंस और न्यू डेटा. नाउ ई एन डी एंड मीन्स स्टॉप द प्रोग्राम. ठीक है. वापस अब हम आ गए मेन स्क्रीन पे. नाउ अब हमें डेटा फीड करना है. डेटा हमारा फर्स्ट डेटा था एट लोकेशन 2050. तो एम फॉर मेमोरी एड्रेस. एड्रेस वॉज 2050. नाउ लेट मैंने डेटा लिया 6-7. जो प्रीवियस वन ही दिखा रहा है दैट इज गार्बेज वैल्यू जो पहले की थी. नाउ हमने उसको रिप्लेस किया बाई 6-7. नाउ नेक्स्ट इस नेक्स्ट लोकेशन पे सपोज मैंने फीड किया 02. 67 प्लस 02 शुड बी 69. ठीक है. तो नाउ चेक करते हैं, नेक्स्ट लोकेशन इज नॉट नीडेड. तो हम इसको क्या करेंगे, रीसेट. रीसेट करते ही ये वापस स्क्रीन पे आएगा. नाउ रन करना है जी फॉर गो टू एंड फॉर स्टार्टिंग एड्रेस जो हमने यूज किया था रैम पर. नाउ शिफ्ट की शिफ्ट एंड 4 एक साथ, देन शिफ्ट छोड़ा 4 छोड़ा. नाउ अगर हमारा ये आ गया मीन्स कि हमारा प्रोग्राम रन कर गया. नाउ चेक करते हैं हमारा रिजल्ट. अगर हमें मेमोरी पे चेक करना है तो एम 2070 जो हमने STA के साथ डिफाइन की थी, एंटर. नाउ यू गेट द आंसर. तो ये हमारा रिजल्ट मिल गया. अगर आपको रजिस्टर पर चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, फिर से रन कराते हैं जी टू देन शिफ्ट एंड 4, शिफ्ट छोड़ा 4 छोड़ा, देन आर ए. दिस इज द वैल्यू जो रिसम था. क्लियर. तो ये हमारा रिजल्ट मिल गया. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टिल यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी प्रोग्राम प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन.